الله الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطام ورفع درجة العالمين بمعاني كتاب وخص المستنبطين منهم بمزيد الإصابة والثواب والصلاة والسلام على محمد وآله وأصحابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق देखो लुट रही है अजमत माहे सयाम आओ आओ बट रही है नियमत माहे सयाम إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كدر ودي پاک پڑھ جائے आपका सदका है दुनिया जिंदगी है आपसे आपका सदका है وسعت کون مقام میں
उस आते कौनो मकामे रोशनी है आप से उस आते कौनो मकामे रोशनी है आप से या सैयदी या रसूल अल्लाह मेरे आका वसअत कौनो मकामे रोशनी है आप से आपका सदका है दुनिया और जिंदगी है मेरा हुस्ने बंदगी है आपकी सीरत कफे हुसीने बंदगी है आपकी सीरत का फैस मेरे सजदों में खुलूसे बंदगी है आपसे मेरे सजदों में खुलूसे बंदगी है। काश आप इस जुमले को मजीद समझने की कोशिश करें। मेरे सजदों में खुलूसे बंदगी है या सैयदे या रसूल अल्लाह मेरे आका वसते कौनो मकामे रोशनी है जब भी सतहे आप से उठती है रहमत की कटा जब भी सतहे आप से उठती है रहमत की गटा कौन से खिते पे परसों पूछती है आप से कौन से खिते पे परसों पूछती है मेरी आस उम्मीद दी दुनिया विच मेरी आस उम्मीद दी दुनिया विच तेरी याद दा दीवा बलदाए ऐ महबूबा दे महबूबा ए सारा चान तेरा वसअते कौनो मकामे रोशनी है से वसअते कौनो मकामे रोशनी शायर का तखल्लुस है आशार लिखता है अब तो
अशर को तलब कर लीजिए शहरे नूर में। बड़ी आस होई महबूबा एक बार मदीना फिर वेखा, अब तो अशर को तलब कर लीजिए शहरे नूर में। इस फकीरे रागुजर को, इस फकीरे रागुजर को, बस इस फकीरे रागुजर को लौ लगी है आप से। इस फकीरे राह गुजर को लो, इस आस पे जीता हूँ कोई कह दे मुझे आकर, इस आस पे जीता हूँ कोई कह दे मुझे आकर, चल तुझको मदीने में सरकार बुलाते हैं। इस फकीरे रा गुजर को लो लगी है आप से। इस फकीरे राह गुजर को लो लगी है आप से, आपका सदका है दुनिया और जिंदगी है आप से। اللہ پاک جل شانہ و اتم برہانہ وحدہ لا شریک لہ مالک الملک رب ذوالجلال کی حمد اور ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں لا تعداد بے حساب درود و سلام بحضور خاتم النبیین شفیع المذنبین راحت العاشقین جناب محمد رسول اللہ قرۃ عیوننا و قلوبنا بکا یا سیدی یا رسول اللہ لجپال آقا کی پاک بارگاہ میں درود و سلام عقیدتاً پیش کرنے کے بعد بڑی ہی عزت تکریم تعظیم محبتوں کے لائق نوجوان بھائیو قابل صدر وقار عزیز بزرگو الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ رمضان المبارک سے یہ پہلا جمعت المبارک ہے۔ آمد آمد ہے اس شہر نور کی، اس ماہ سیام کی، اس عظمت رفعت رحمت و راحت والے ماہ مقدس کی۔ آج اسی حوالے سے میں نے سورہ البقرہ
इसकी आयत नंबर 183 तिलावत की है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए हैं, कमा कुतिबा अलल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम, जिस तरह तुमसे पहली उम्मतों पर रोजे फर्ज किए गए, लअल्लकुम तत्तकून। यह है मेरा मौजू, इसे गौर से सुन रहे हैं, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। रोजा रखने का मकसद परहेजगारी। बरादरान इस्लाम, 2 हिजरी मदीना तैयबा में रोजों को फर्ज किया गया। मदीना तैयबा का यह तोहफा है रमजानुल मुबारक। रोजा रखने से अल्लाह ताला तुम्हें गुनाहों से पाक करेगा, रोजा तुम्हारे जिस्म की बीमारियों को दूर करेगा, रोजा तुम्हारी रूह को ताकत देगा, रोजा तुम्हारा अल्लाह से टूटा हुआ ताल्लुक जोड़ेगा, रोजा तुम्हारी सरमदी और अबदी नेमतों को दिलाएगा, रोजा तुम्हें साबिर और शाकिर बनाएगा, रोजा भूख और अफलास की कदर जानने वाला बना देगा। रोजे को रखने वाला कभी थोड़ा सा गौर करे तो एक खास रोजा रखने वाले के मुंह से बू आती है, जिसे मेरे नबी फरमाते हैं कि रब फरमाता है, मुझ रब को वो तुम्हारी बू मुझको अंबर से ज्यादा खुश। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे नबी के गुलामों, अल्लाहु अकबर, आहा, मेरे नबी पाक सरकार की बारगाह में मौला अली कहते हैं, हजरत जिब्रील अमीन आए, मेरे हुजूर की बारगाह में आके सलाम पेश किया, सलाम पेश करके बारगाह बेकस पनाह में मेरे हुजूर को पैगामात दिए, तो मेरे नबी ने फरमाया, या अली, हाजा जिब्रील, युक्रिओ कस सलाम, ऐ अली, ये जिब्रील है, ये रब की तरफ से आया है, इसने मुझे भी सलाम कहा है, और जिब्रील कहता है कि रब कहता है अली को भी सलाम कह। मौला अली करीब हो गए, आप बड़े झिझकते रहते हैं, आपको कहें ना करीब हो जाएं, मिंबर के करीब हो जाएं, और करीब हो जाएं, आप और दूर चले जाते हैं। हजूर फरमाते हैं मौला अली को, सुनिएगा, फरमाली करीब हो जाओ, करीब आ गए, फरमा उदनु मिन्नी, अली और करीब आ गए, मौला अली सरकार और करीब आ गए, फरमाली मैं कह रहा हूं उदनु मिन्नी, और करीब, मौला अली कुछ और करीब आ गए, मेरे आका का दरबार है। को आजकल के उम्रा करने वाले लोगों की तरह तो वो नहीं थे जो सेल्फियां ले रहे इंजॉय कर रहे, ऐ तेरा सलाम, ऐ फलाने वेना पे मैं तेरी दुआ कर देती है, ऐ वेख अरमे काबा, ऐ वेख मदीना तैयब, अल्लाह अकबर कबीरा, उदनु मिन अली, और करीब आ जाओ। मौला अली कहते हैं फदनाउ तो बिन हूं, मैं और करीब हूं, मेरे नबी फरमाते हैं अली और करीब आ जाओ। इतना करीब हुए, इधर मेरी तरफ देखिएगा, इतना करीब हुए, कब्बलहू बैन आईनैह,
मेरे सरकार ने दोनों आंखों के दरमियान अली को बोसा दिया। हाजी साहब आप सब बुजुर्ग हैं, ये नौजवान शहजादे हैं, आप एक चीज को जरा थोड़ा सा फील करें। एक बात कहने की हुजूर फरमा देते तब भी सर आंखों पे थे। हाफिज साहब एक चीज सरकार ने फरमानी वो भी सर आंखों पे है, इतना कुरब, इतने प्यारे अंदाज में, फिर मानना पड़ेगा ना महबूबों के अंदाज भी निराले होते हैं। करीब आए, करीब हो गए, मेरे नबी ने फरमा ली रब की तरफ से पैगाम है। ओ भाइयों हमें भी रब की तरफ से, मगर सुनिएगा अली रब की तरफ से पैगाम है कि हर महीने 3 रोजे रखा करो। कितने रोजे? 3 रोजे रखा करो। फरमाली जो हर महीने में 3 रोजे रखेगा, 13, 14, 15, 13वीं चंद, 14वीं चंद, 15वीं चंद। अली मेरे उस गुलाम को अल्लाह 10 साल की इबादत का सवाब देगा। मैं बड़ा खुश नसीब हूँ, मैं ऐसे बाबे देख रहा हूँ जो रोजे रखते हैं। चलो मैं नाम ना भी लूँ तो मेरे बादशाह की बारगाह में तो उनका नाम है, जहाँ मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर फरमाया ये पहले दिन के रोजे की बात है, ये 13वीं के रोजे का सवाब है भाई। फरमा दूसरे दिन के बदले अल्लाह ताला जो हर महीने में दूसरा रोजा रखता है यानी 14वीं, उससे अल्लाह ताला 30,000 साल की इबादत का सवाब है। साहब 30,000 साल ओ बिलियो, अभी कर्म की मंजिल का नहीं पता चल रहा। 30,000 साल। एक जुमला आखिरी जुमला कहने से पहले कह दूं, जिस नबी के गुलामों को नफलों का इतना सवाब मिलता है, भाई दोस्तों भाइयों बुजुर्गों, जिस नबी के गुलाम को नफली रोजे का इतना सवाब मिलता है, फिर रमजान में तो सेल लग जाती है। बस यूं है कि रहमतें खुदा बहाना में जो है, अल्लाह की रहमत बस बहाना ढूंढ रही है, आ जाओ गुनाहगारा तेनू बचा लो। जब तीसरा रोजा रखता है, सैयद आलम फरमाते हैं अली उस तीसरे रोजे के बदले मेरे उस गुलाम को और तुझे भी 1,00,000 साल की इबादत का रब ताला सवाब अता फरमाएगा। आगे भी मौला अली है, قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الثواب لي خاصة أم للناس عامة मेरे महबूब मुझे बता दीजिए ये सवाब 13वीं 14वीं 15वीं शब में जब मैं रोजा रखूं, ए हबीब ये सवाब सिर्फ मेरे वास्ते है, मेरे नाल खास है, या जुनाब दी सारी उम्मत आस्ते ऐलान है। हसनैन दे पाक नाना मुस्कुरा के फरमा दे अली तेरे लिए भी है, ते जेड़ा जेड़ा मेरा गुलाम ए 3 रोजे रखे, मेरी जेड़ी कनीस 3 रोजे रखे, मेरा बकोलो उनानु भी ए सवाब लेके देवा।
अब तो मैंने ये कहना है आपसे, ये 11 महीने तो गए, अब जो आने वाले हैं वो तो ना जाए, अब जो आने वाले, ओए अपने अंदर देखो ना, कल रोजा बाप के साथ रखते थे, आ जाए बाप, कल माँ के साथ रखते थे, आ जाए माँ, कितनों की माए नहीं है, कितनों के बाप नहीं है, कितनों के बेटे नहीं है, कितनों की बहने नहीं है, कितनों का ये चमन उजड़ गया, वो सहरी की लज्जत है, वो इफ्तार का नूर अल्लाह नूर वक्त, वो ये खाने पीने का नाम रोजा नहीं है। आगे जा रहा हूं मैं अर्ज कर, अल्लाह अकबर अल्लाह। हजरत आदम अलैहि सलाम जब जमीन पर तशरीफ लाए तो आपका जिस्म मुबारक का रंग जो है ना वो स्याही माइल हो गया, स्याह नहीं स्याही माइल हो गया। तो जिब्रील अलैहि सलाम हाजिर हुए, जो नाब चाहते हैं कि रंग सफेद हो जाए, हर बंदे चाहते हैं मेरा रंग सफेद हो जाए। जी हुजूर, आदम अलैहि सलाम से हजरत जिब्रील फरमा रहे, जनाब अल्लाह की तरफ से आए हूं, चाहते हैं रंग सफेद हो, फरमा चाहता हूं। قال جبريل لآدم عليه السلام فصم من الشهر الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر فرما پیارے آدم پہلے دن 13ویں دا روزہ رکھو 14ویں دا روزہ رکھو 15ویں دا روزہ رکھو اے تین روزے رکھو جناب آدم علیہ السلام نے پہلا 13ویں دا روزہ رکھیا چہرہ مبارک اینج چمک जिमें चौदवी रात तक चल, दूसरा रोजा रखे नाफ मुबारक दिकर जिसमें पाक चमक गया है, तीसरा रोजा रखे नाफ मुबारक तो लैके कदम शरीफ दी एड़ी मुबारक तक पूरा जिसम इस तरह चमक दे जिमें चौदवी रात तक चल चमक दे। पैगाम आए जनाबे आदम अलैहि सलाम अर्ज की थी, या लाए चमक मेरे लिए है या किसे और लिए भी है। फरमा आदम आखिर समा नबी दी उम्मत जेड़ा जेड़ा ये तीन रोजे रखेगा और अल्लाह दी रजा लई रखेगा, असी ओदे जिस्म ते बातन ते जाहर नूं इंज चमकावांगे जिवें जनाब दा चेहरा ए मुबारक लाटां प्या मारदा है। عن سلمان رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال يا أيها الناس قد أذن لكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة خير من ألف شهر شهر جعله الله صيامه فريضة وقيامه ليله تطوعا من تقربه بخصلة من الخير كان كما أتى فريضة فيما سوى मेरी सरकार सहाबानों बुलाया कोल बिठाया लबानों हलाया फिर करीम बोले करम बोलिया अजीम बोले असमत बोली रही बोले रहमत बोली अमी बोले अमानत बोले सखी बोले सखावत बोले नूर बोले
नूरानियत बोले, हादी बोले, हदायत बोले, सिराज बोले, रोशनी बोले, इमाम बोले, इमामत बोले, नबी दे गुलामो हुजूर बोले, अर्श वाला रब आप बोले। शबानुल मुअज्जम तो जड़ा कुछ दिन पहले मेरी सरकार ने खुतबा इरशाद फरमाया, सहाबा आ जाओ, सहाबा आ जाओ, आवन आले माह मुकद्दस दिया तो निशाना दसा। हजूर पाक ने खुतबा इरशाद फरमाया, हदीस पाक दे लफ्ज़ में पढ़ रहे, मिश्कात को भी पढ़ रहे, ये हदीस पाक अतरहीब अतरहीब के अंदर भी मौजूद, मगर मैं तो मतन मिश्कात तो पढ़ रहा। रमजानुल मुबारक दी आमद तो पहले सरकार ने बुलाया, फरमाओ ना जरा, हजूर हुक्म हो रहे, फरमा लोगों तो पता है शहरे अजीम आ रहे, बहुत बड़ा माह मुकद्दस जलवा फैगन हो रहे हैं। अर्ज की थी हजूर कौन, फरमाया माह रमजान। बोलो माह, बोलिएगा जरा माह, और रमजान रमजान ना क्या करो, मना किया सरकार ने, रमजान उल मुबारक या माह रमजान, रमजान आ गया, ये जन्नत दी नहरें चो एक नहर भी होनी है, अदब ना लिया करो निस्बत वालियां चीजा, रमजान उल मुबारक, माह रमजान, रमजान शरीफ आ गया, सुभान अल्लाह, आले सुन्नत दे नजदीक कितना अदब है, जेड़े महीनों का नाम ही अदब ना लेंदे ने कमली वाले का कितना अदब लेंदे होना है। आहा, मेरी सरकार ने फरमाया ओ माह मुकद्दस है जिदे च एक रात आनी है सतीवी दी या पंजी दी या त्रई दी या इक्की दी या उनती दी, जड़ी हजार महीने नालों भी बेहतर, एक रात लैलतुल कद्र, बोलो बोलो एक रात है। फरमाया ए ओ माए मुकद्दस है जिदे रोजे अल्लाह ने फर्ज किते, एदा कयाम मेरी उम्मत आस्ते सुन्नत बनाया। फरमाया जिन्ने इस महीने च एक नफली नेकी कीती, नफली 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 एक नेकी कीती, रब ताला उनू सत्तर अल्लाह ताला उनू सत्तर फर्जां दा सवाब अता फरमाएगा, ते जिन्ने एक फर्ज अदा कीता उनू 700 गुना तो ज्यादा सवाब अता फरमाएगा, यानी नफल फर्जां दे बराबर, नफल बोलो जरा नफल, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाया शारु सब्र, ये सब्र सिखाया, सब्र जिंदगी चौखे वेले भी आ जाए, जरूरी नहीं कि पैसे कोल होण ते जड़ा ना होण ते फिर ही बंदा औखा हो, हर्ष भी कोल होवे हैं ते जे फिर भी सबर करना पए, शै लभी होई ना, जे लभी ते तेरे वास्ते नुकसान दे होई, डॉक्टर आके खाई ना हैं। अल्लाह फरमा शहर सबर, आका शहर सबर, वो सबर सवाब गुलजन, मेरे महबूब फरमा दे ते सबर का सवाब जन्नत है, थोड़े तो छोटी गल है, वो सबर इतने करना ते जन्नत अल्लाह ने अता फरमा है। बनी इसराइल आले ते पता जे 24-24 घंटे का रोजा विशाल 24-24 घंटे, असी हैं ओ फजर दी जान होंदी भई खा लै, मौलवियां दी केड़ी गल दी खा लै, मौलवी दे अब्बे दा दीन होया ना, लोगों दीन नूं भी मजाक बना, दीन ओहदा ही है जिहड़ा अल्लाह कोलों डरदा। कीड़ी नजर आए किन्ने लिखिया सी, मैनू भी लिया बखा, कीड़िया नाल दीन है तेरा, शर्म नहीं आई कहन लगे
और याद रखिए, हाफिज साहब से भी अर्ज करूंगा, इंतजामिया से भी अर्ज करूंगा, आप सबसे कहूंगा, रोजे के बंद होने का स्टैंडर्ड अजान नहीं है, वक्त है। अजान लेट भी हो सकती, पहले भी हो सकती, वक्त का ख्याल रखो। एहतियातन दो मिनट पहले बंद करो उदो जो। फिर कई बंदे जनाब अगे रोजा खोलन दे टाइम जनाब जी सरकार ने फरमाया जल्दी खोलिया करो, इफ्तारी जल्दी करी दी तो टाइमो पहले ही कर लो। और जी वेखो फलानी अजान नहीं हो गई तो फलानी अजान टाइम ते हुई है। सारा साल तेन अजान तो सुनी नहीं, तेन की पता हो टाइम की होंगे, उदो तू कड़ी नहीं वेखी सारा साल कि मगरब का टाइम की होंगे। उदो भी पहले पांच मिनट दस मिनट मस्जिद आके बैठा हों, तेन पता हों मस्जिद अजान का स्टैंडर्ड टाइम की है। हम चार लुकमे खाने आस्ते तू दीन बदली होना सारा। अल्लाह अकबर कबीरा। और मैं जिते जिते जावांगा, मैं रात भी प्रोग्राम ते जाना, कल भी जाना, परसों भी, मैं जिते जावांगा मैं भी कोशिश करांगा पैगाम देना, तुसी भी पैगाम दे। जो वक्त हो जाए उदो तखीर ना करो। और मसाजिद के अंदर रोजा खोलन का मतलब की है कि एक खजूर मुंह पा, खजूर मुंह च पा लो तो पज पवो नमाज नू। इफ्तार करन दा वक्त मतलब की है कि अपनी इफ्तारी मुकम्मल करो और फिर आके अल्लाह की बारगाह सजदा करो। कम अज कम मेरे हजरत साहब आज भी हजरत कहलियां वाला शरीफ 10 तो 15 मिनट बाद जमात खड़ी होती है। हरमैन शरीफैन चले जाओ 10 तो 15 मिनट आम दिनों के अंदर भी मगरब तो बाद 10 मिनट तो बाद जमात हो जाए। साढ़े इतने दौड़ा लवा देना पड़ दीन नू मजा नाल नहीं सुनना चाहिए, ना मजा नाल बयान करना चाहिए। मजाक करने वास्ते कंजर थोड़े, मजाक करन हो दीन मजाक का नाम नहीं। ला मजाक हाफिज दीन, दीन च कोई मजाक नहीं, दीन इंतहाई एहतियात का नाम। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका अलैहि सलाम ने फरमाया युजादु फीहि रिज़्कुल मुमिन, इहदे विच मोमन दा रिज़्क बढ़ा दिता जाए। तेनू पता ही नहीं होना कितों कितों करम हो जाना। अल्लाह अकबर कबीरा। हाँ मेरे आका अलैहि सलाम ने फरमाया من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وأتقى رقبته من النار। फरमा जिन्हें रोजेदार रोजा खुलवाया अल्लाह दी रजा वास्ते, इधर रोजा खोलना ला रोजा खोलता है, उधर मेरा रब्बुल आलमीन ओदी गर्दन नू जहन्नम तो आजाद कर देता है। जिदे कोल पराडो होई ना उधर रोजा खुलाया जे, जो को गड्डी हुई जी एल आई उधर रोजा खुलाया, जरा शहर सब तो अमीर होया उन्हें वधिया वधिया खाने खुवाया जे, कि दरवेश नू ना बुलाया जे। अपनी मस्जिद में महल का कोई ऐसा नमाजी ना बुला लिया जो माड़ा भी है तो मुत्तकी भी है, वह रोजा ना खुलाए। अमीर अमीर बंद पार्टियां कर फिर नैट पर भी चाड़िया जो। अल्लाह अल्लाह अकबर कबीरा। फिर मेरे आका सलातम ने फरमाया जिन्हें एक खजूर खिला दी, एक घुट दूध पिला दी, मदीने वाले जो दुध की भी गुंजाइश ना हो फरमा पानी भी पिया गया। इस जुमले ते इना इस्तकबाल करो लुत्फ आ जाए, फरमा तू पानी भी पिया भी सवाब ना तेन हजारा नियमता बराबर रख दे। पहले लोग उलमा नू बुलांदे हुंदे सन, तुलबा नू बुलांदे हुंदे सन, नेक मुत्तकी परहेजगार लोगों नू बुलांदे हुंदे सन। हजरत साहब मेहरबानी फरमाओ, हजरत मेहरबानी फरमाओ, हजरत तशरीफ लेके आओ, जनाब कुरान भी पढ़ दो सहरी वेले उठ, आओ ना मेरे घर कदम रज्जा फरमाओ। वो दौर ही कितने चला गया, वो वक्त कितने चले, वो टाइम कितने चले, दो रकत के इमाम और दो रकत के मुक्तदी। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
وهو شر اوله رحمه واوسطه مغفره واخره اتقم من الله. जेड़ा पहले पहला अशरा है पहला अशरा मुबारक नबी पाक सरकार फरमाने ए रहमत नल भरे आए अल्लाह दिया रहमता लुट लो एदा दूसरा अशरा दरमियाना अशरा जिन्हों क्या जान ले एदे विच मेरे रब दी बख्शिश मौजा मार दिए अपनी बख्शिश करवा लो तीसरा अशरा मेरे आका मेरे मौला सल्लम फरमाने ए जहन्नम तो आजादी का अशरा है नबी पाक सरकार मस्जिद नबी अल्लर मिंबर मुबारक दी पहली सीढ़ी ते कदम रखिया आमीन फरमाया फिर दूसरी सीढ़ी ते कदम रखिया आमीन फरमाया फिर तीसरी सीढ़ी ते कदम रखिया आमीन फरमाया सहाबा अरस करते ने ए माजाक दे का जला लिया ए वतुहा दे चेहरे वाले ए वलैल दिया जुल्फा वाले ए हमीम दे कुंडला लिया ए यासीन दे चेहरे वाले ए यतुल्ला दे सहने गोरे गोरे प्यारे हथां वाले मेरे आका मेरे मौला अज दुआ मंगन आला नजर नहीं आया जुनाब आमीन आमीन फरमा रहे हो मेरी सरकार फरमा रहे हैं इल्ली और मादा तरों जो मैं वेला ओ तुसी नहीं वेले मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बयान फरमाने सहाबा जिब्रील अमीन अलैहि सलाम दुआ पे मंगदे सन मैं आमीन पिया कहना सा मैं पहला कदम रखे आए जिब्रील अमीन अलैहि सलाम ने दुआ मंगी है हजूर की दुआ मंगी है फरमा जेड़ा बूढ़े वालिदैन नु पाए एक या दोनों नु पाए उन्हां दी खिदमत करके उन्हां दा अदब करके उन्हां नाल प्यार करके रब कोलो जन्नत हासिल ना कर सके ओदे ते लानत होए मैं आमीन आखे हजूर दूसरी मर्तबा जो ना आपने फिर आमीन फरमाए मेरी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बयान फरमाने हैं मैं दूसरी बार आमीन ता आखे मेरे आका दी ही सलाम फरमाने हैं जदों मैं दूसरे दर्जे ते कदम रखे आए फिर मैं दुआ इस वास्ते मंगी है मेरे हजूर क्यों मंगी है मेरे आका दी ही सलाम फरमाने जिस शख्स ने रमजान उल मुबारक पाया और ओदी रहमत ते बरकत ते अजमत और रिफात ओदे कोलो फायदा ना उठा सके हो जन्नत हासिल ना कर सके हो मेरे आका ने ही सलाम फरमाने जिब्रील फरमाने ओदे ते भी लानत होवे मैं आमीन आखे हजूर तीसरा केड़ा बदबख्त बनना है फरमा जिदे सामने तोड़े नबी दा नाम लिया जाए ओ मेरे नबी ते दुरूदो सलाम ना पड़े कई बंदे सरकार दा नाम लेके ऐ फर्ज नहीं है ऐ नहीं करना कई मजाक उड़ाने ये फर्ज ते आई नहीं ये वाजब ते आई नहीं जड़ा ना इंज करे उन गुनाह ते आई नहीं ते जे आखे ते मैं तेनू सैकड़ों दी समझावां उच्ची ते कह छोड़ो आमीन चल नहीं इंज कर सकता मर सकता उंज ते दुरूदे पाक पढ़ दे कईयां नू कह लो ऐ पाटे बन के बैठ रहे तू दुरुशी मैं मर तेनू विखा के पढ़ना बल्ला बिल दे ते पता लग ही नहीं सी जाना फरमा जी दे सामने मेरा नाम लिया जाए मन जुकिर तु इंदहु फलम युसल्ली अलैहा जिदे कोल मेरा नाम लिया जाए और मेरे ते दुरूद और सलाम ना पड़े ओदे ते लानत है सुनियो मुबारक होए अजानो पहला भी दुरूद अजानो बाद भी दुरूद दुआ तो पहले भी दुरूद दुआ तो बाद भी दुरूद ओए वाजब ते फर्ज समझ के खड़े होके जुमे तो बाद असी सलाम नहीं पढ़ते मगर जुमे नु मकबूल कराने वास्ते जिनी देर खलो के आखिए नाना मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम कलब ते रूह नु चैन आंदे हैं मेरे नाल एक मर्तबा मिलके मोहब्बत नाल पढ़ो हां जरा मुस्तफा मैं
अर्ज करांगा जेड़ा पढ़ सकता है, बुजुर्गान ने कह रहा, बीमारान ने कह रहा, नौजवान नु कह रहे हैं, अपने नबी नु जरा सलाम कहना, पता लगे। मैं दुआ मंगांगा, या अल्लाह जेड़ा जाने रहमत आके ना रहमतुल आलमीन दा सदका ओदे कार ओदे जिस्म ते ओदी औलाद ते रहमत नाज़िल फरमा। ऐन मस्जिद गूंजे एक मर्तबा, मिलके कह लो मुस्तफा जाने रहमत शमाए बज में हेदा जिनके आने से यसरब जिनके आले से यसर उस कदम की करामत पेरा, और जिस तरफ उठ गए दम में दम आ गया। मैं आलते रोजा सा बीवी को चला गया मैं कुके सोची तो कर बैठा नहीं सी करने चाहिए हुक्म की है पर मैं दो महीने रोजे रख मदीन आलिया एक नहीं पिया नहीं थोड़ा जा चुची क्या छोड़ो सुबहान अल्लाह फरमा फिर 60 मस्कीना नो खाना खिला मैं आप मस्कीन हाँ शह कोल ही नहीं, फिर मैं गुलाम आजाद कर, जरूर मेरे को गुलाम कितों आया, मैं तो खुद तेरा गुलाम हूं। कुरान यही आंदा है, या गुलाम आजाद कर, उच्ची कहना जे मेहरबानी होगी, रोजा त्रोड़ लवे तो की करे, उच्ची बोलो जरा की करे, गुलाम जरा होर उच्ची बोलो, गुलाम 2 महीनों दे लगातार रोजे रख, जे नहीं कर सकता तो फिर 60 ते मस्कीना नू देन दी वारी मेरे को आवे, फिर मैं दसा दा आप कहीं दा खाना। ये फतवा मेरे को नहीं पूछना, तो किसी और को पूछ लो। हैं 60 मस्कीना नू हुजूर मैं कुछ भी नहीं, हुण हुकम की है, या गुलाम आजाद कर ते या 60 मस्कीना नू खाना खिला, या 2 महीनों दे। ये कौन आंदा है बोलो, कौन आंदा है? अल्लाह। बोलो ये कौन आंदा है? गुलाम अर्ज कर दिया हुजूर, हुजूर को जो नहीं कर सकता, फरमा इजलिस हा होना बह जा, जे तू को जो नहीं कर सकता फिर असी ते कर सकने आना। मैं चैलेंज कर रहा हूं, जाओ मकतबा देवबंद को पढ़ के देखो, जाओ आले हदीस को पढ़ के देखो, जरा बड़ी टेंट कर दिया उन्होंने पढ़ लिया किताब ओदी बुखारी तो तर्जमा ओदे मौलवी लिखा तेरे, मैं मेरी लाइब्रेरी आ मैं हाँ तेन हूँ। हुक्म है गुलाम आजाद कर, हुक्म है 2 महीनों दे रोजे रख, या 60 मस्कीना गुलाम आंदा हुजूर मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे नबी ने यह नहीं फरमाया, हुन वही आएगी, हुन जिबरील आएंगे, फिर गल करांगे। ये मुख्तारे कुल नबी है ना, रब ने इख्तियार दिते हुए ने ना, मेरा रब कह ले वला सौफयो अतीक रब का फतर दा माबू जो दिता सौ दिता अगों भी इना देंगे, मेरा महबूब राजी हो जाएगा। एक सहाबी आए ना खजूरां दा टोकरा बुखारी सिर ते चाया, नबी पाक ने फरमाया आईना साइल सही बुखारी, सवाली किते हजूर में आदर, फरमा टोक खजूरा टोकरा चुक लै जा मदीने दे गरीबां दे अंदर जाके वंड दे। सहाबी बड़े लायक सन, जुमला गौर ना समाप्त करना, थोड़ा वक्त रह गया। अरज कर देने मदीने वाले ने अगे इन्नी कंसेशन ले दी थी है, अगे इन्नी रुखसत अल्लाह कोलों, ऐ ते गल ही कोई नहीं,
टोकरा चोक के खलो रे पर मैं जानता नहीं। अर्ज कर दे करम की नजर मुझे पर खुदा रा हो तुम्हारा मैं तुम्हारा तुम्हारा बनते सही ना गुलाम आते सही ना अरस करते सही ना अरस करते आका ना दो महीने दे रोजे ना गुलाम ना सट मस्कीना नु खाना खिला सकना ते ना ही टोकरा वंडन ते दे ले मेरे ते अपने बच्चे भुखे ने ऐदो मेरे लो वेखो सियाबा फरमांदे ने मेरी सरकार ऐना मुस्कुराए ऐना मुस्कुराए अगले दंदाने मुकद्दस मुंह मुबारक दे अगले दंदाने मुकद्दस जाहिर हो गए ते सरकार फरमांदे ने जा आप भी खा बच्चियां नूं भी खवा मैं जाना ते रब जाने मंगल या बुध रमजान शरीफ की आमद आमद होगी ते सोमवार वाले दिन यह जरा सोमवार चूंकि सोमवार पिछले जुम्मे मैं ऐलान नहीं कर सकिया माजरा रमजान शरीफ की आमद इस्तकबाले रमजान का प्रोग्राम होगा को थोड़ा बहुत टाइम होगा इंशाअल्लाह का मतलब है कि थोड़े वास्ते नहीं होगा असी जिथे जिथे हैं वो उतो जो गई हो मैं पूछया मस्जिद विच इस्तकबाले रमजान शरीफ की आमद आमद ते रोजिया के मुतलक छोटा जा मगरब तो लैके इशा तो भी पहले ही 15 मिनट मुका देगा पहले ही मुका देगा तो होएगा कुछ थोड़ा बहुत नहीं थोड़ा बोलियो वक्त होया फर्ज वाजब से नहीं वक्त होया आखी पुत्र नू लैके बेटे नू दोस्त नू भाई नू आना मगरब की नमाज जामे मस्जिद उस्मानी च पढ़िए ते रमजान शरीफ दियां गल्लां सुन के आईए फिर मैं तैनूं दसांगा मेरे हजूर ने फरमाया जिन्हें कयाम किया हाय हाय खड़े हो के तरावी वास्ते जिस रहा क्या ना अल्लाह अकबर फिर अल्लाह फरिश्तियां नू आंदा फरिश्ते हो तुसी ते आंदे सो ना बना ठीक है ऐ सोमवार नू फिर तशरीफ लियाना कोशिश करना मेहरबानी करना मैं भी कोशिश करांगा मगर दी जमात करावा तुसी भी तशरीफ लियाना और इस मरतबा साड़ी इस मस्जिद दे अंदर जेड़ी हस्ती कुरान पाक सुनानगे सुन के हैरान भी होगे बड़े तजुब दा शिकार हो जाओगे मैं भी होया सी एडीसी जी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद जेड़े डिप्टी कमिश्नर तो थल्ले होंगे डीसी सैकंड डीसी जिन्हों कहते हैं मैं जिथे जिथे पोस्टिंग ते रहा मैं उत्थे उत्थे कुरान सुनाया वो आंदे सन 10-20 हाफिज खड़े कर लिया जे ते जे एडे को बच्चे तो लैके 80 साल दे बाबे नूं एक एक हरफ की समझ ना ना आई तां गल है ਉਹਨਾਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਔਰ ਉਹ ਆਲਿਮੇ ਦੀਨ ਵੀ ਨੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਸਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਅਰੇਬਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਅਲ ਮੁਸਤਦਰਕ ਨਿਕਾਲੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਅਰਬੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਗੈਰ ਜ਼ਬਰੋ ਜ਼ੀਰੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਬਗੈਰ ਜ਼ੀਰੋ ਜ਼ਬਰੋ ਉਹ ਜਨਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਦਰਸ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਓ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸਾਂ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਕੂਲੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੁਸਕਰਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਓ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਉੱਥੇ ਜਮਾਤ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਿਰਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਧੀਮਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਜੇ और बड़े दरवेश सिर्फ इंसान ने इंज दे अफसर आ जा आंदे ने उन्हें फिर मैंने गल सुनाई उन्हें आख्या कि मैं ना जी इम्तिहान मेरा आ गया फर्स्ट ईयर पेपर आ गए तो रमजानुल मुबारक भी आ गया तो मैं ऐ जे इश्क ऐ कामयाब होंगे जे असी करते कख नहीं तो मंगते हर शे हाँ तो पेपर आ गए तो मेरे वालिद साहब मैं अपने अब्बा जी ने आख्या अब्बा जी
एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब हाफिज हमदुल्ला उन्होंने नाम वो फरमान लगे कि मैं अब्बा जी ने आख्या अब्बा जी पेपर आ गए ने ऐतकी कुरान पाक ना सुनाव तो मेरे अब्बा जी ने अंज अख भर के आख्या उन्हें आख्या मुहम्मद अब्दुल्ला बेटे पेपर अगले साल दे लांगे कुरान सुनाना ही कुरान सुनाना ही। मैं इमरान साहब जावेद भाई साहब टीम दा ममनून हाफिज साहब दा इन्हें दरखास्त कबूल फरमाई और इतने कुरान पाक सुनानगे ते कोशिश होगी मेरी परसों दर से कुरान च भी एक मरतबा जरूर तशरीफ लेन ताकि शादी नमाज या मगरब की नमाज वो भी एक पढ़ान क्योंकि फिर ऑफिस दियाँ भी जिम्मेदारियाँ होंगे मगर वो तरावी अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक सुनानगे इंशाल्लाह ताला। दोस्त तशरीफ ले आना दूर दराज तो आना दोस्तों लेके आना वाखिर दावा।